क्या दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे इंडिया फूड एक्सपो 2019 लगी हुई है। और हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है खास। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल समिट हुआ था फरवरी 2018 में। सबसे ज़्यादा MOU फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हुए हैं। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखता है। और इसमें जहाँ तक हम गेहूँ का उत्पादन अगर आप पूछें तो 34% देश के कुल उत्पादन का गेहूँ उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो 30% वेजिटेबल्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। उसी तरह से मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में ये जितने भी खेती के उत्पाद हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेसिंग की लेवल को देखें तो वो बहुत कम है। लगभग 4% जो खाद्यान्न या हमारे फ्रूट और वेजिटेबल पैदा होते हैं वो यहाँ पर प्रोसेस हो पाते हैं। तो बहुत कम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। अगर आप दुनिया में कोई ऐसा देश जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है तो ताइवान है, जिसमें 90% प्रोसेसिंग होती है। तो हम कहाँ 4% और कहाँ 90%। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गांव बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि गांव में स्थापित हो सकती है माइक्रो लेवल के ऊपर। तो हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रोसेसिंग लेवल है, फूड प्रोसेसिंग लेवल पे, वो 4% से बढ़े और ये जल्दी से जल्दी हम कम से कम 10-12% तक तो पहुँचे। लोगों की ईटिंग हैबिट जो है बदल रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं अब घर में खाना ना पका करके यंग लोग भी आ गए हैं जो कि बाहर खाना पसंद करते हैं या प्रोसेस फूड खाना पसंद करते हैं। तो प्रोसेस फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बट पूरे देश में। इसी उद्देश्य को देखते हुए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास हो, इस उद्देश्य को देखते हुए हमने ये इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया है इस बार। और अभी तो ये एक छोटा सा प्रयास है, आगे चलकर हम इस एग्जीबिशन को हर साल करेंगे और इसको बड़े रूप में ले जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये तो एक छोटा सा प्रयास है और इसे बहुत बड़े रूप में आना है, तो चलिए देखते हैं कि और आगे क्या क्या है इस एक्सपो में। और ये सामने मशीन है जो आप बहुत खास दिख रही है, चलिए मालूम करते हैं इसके बारे में। बताइए सर, क्या है ये, उसका काम क्या है? ये पेपर कप मशीन है जो इससे आज से 14 साल पहले चाइना से हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जाती थी मशीन, लेकिन आज की तारीख में ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तौर पर पिटुल मशीन के नाम से, पिटुल हमारी कंपनी जो मुजफ्फरनगर बेस है, वो हम 5 साल से इस मशीन को बना रहे हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी सी मशीन है और हमारे साथ हैं आयुष जी। तो आयुष जी से मालूम करते हैं कि ये कौन सी मशीन है और ये क्या काम आती है।
मैं आयुष हूँ आरबी पैकेजिंग से। हमारी कानपुर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये 48 वेयर है। इसमें क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आपने डिस्प्ले में HMI में 25 ग्राम डालना है, ये ऑटोमेटिक वे करके अपना हॉपर में डाल के नीचे सीलिंग में अपना पैक हो जाएगा। और इसके बाद मतलब हम लोग पूरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारी खुद की कानपुर में यूनिट है और 1 ईयर की मैकेनिकल, इनकेस एनी ब्रेकडाउन आपका होता है। ये आपका डबल बेल्ट भी होता है कि आपका पेपर जो पुलर है वो अच्छे से नीचे पुल हो जाए और आपके रिंकल्स ना आए। और ये कॉलर टाइप में होती है, ये आपका अप टू 2 kg तक पैक कर देती है। तो इसमें क्या क्या चीज पैक हो सकती है? इसमें आपके ग्रेन्यूल्स पैक हो जाएंगे, मेन जो चिप्स हैं जो एकदम लाइट वेट होते हैं जो नॉर्मली ब्रेक हो जाते हैं, तो ये लाइट मटेरियल के लिए पैकिंग के लिए यूज होती है। मैं स्वीट नथिंग से पूर्वा भार्गव हूँ। मैं प्रोफेशन एक बेकर हूँ, साथ साथ में मैं फूड प्रेजर्वेशन का काम कर रही हूँ। यहाँ मार्केट में जो अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमारा स्ट्रॉबेरी जैम हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यूज हैं, बट हम जो प्रोडक्शन करते हैं हम इसमें प्योर फ्रूट यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स।